हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को स्वागत है ब्रह्मा फिजिकर में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज का टॉपिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, आज पेशेंट ने मैं नहीं दिखा रहा हूँ कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इसका आपको बेस्ट टिप बता रहा हूँ जो आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, कोई भी डिजीज होता है उसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। आई एम नॉट अ डाइटिशियन बट आई डू रिसर्च इवन डाइट्स के साथ इंक्लूडिंग आई गिवन प्रीफर एक्सरसाइज ऑल्सो पेशेंट को। सो एडवाइस देता हूँ। सो आई विल गिव द रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेस्ट टिप आप लोगों को देखना है। ठीक है, ओके, विदाउट डिले पहला बात बता रहा हूँ, पोटाशियम बहुत इंपॉर्टेंट मेजर प्ले रोल करता है आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसका यहाँ पर पेन होता है। ठीक है, स्टिफनेस होता है। ठीक है, तो पोटाशियम क्या होता है कि लो होना स्टार्ट होता है। आप ब्लड चेक कीजिए, ब्लड टेस्ट में पोटाशियम लेवल में पोटाशियम लो होता है। तो अभी इसको क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है। इंक्रीज योर पोटाशियम अप टू 5500 mg टू 6000 mg, ओके, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, पहला पॉइंट, इंक्रीज योर पोटाशियम अप टू 5500 mg टू 6000 mg। ठीक है, क्या होता है कि जब भी आरए होता है, ये क्या है, ऑटो ह्यूमन डिसऑर्डर है। ठीक है, ये डिजीज है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि पोटेशियम गिरते जाता है। तो जब भी ब्लड में आप चेक करोगे पोटेशियम अगर गिर रहा है तो एटलीस्ट 5000 से लेकर 6000 तक आप इंक्रीज कीजिए। ठीक है, तो आप पोटेशियम किस में इंक्रीज करोगे, बाय फूड, अपने बनाना, फिर ऐसे एवोकाडो, फिर ठीक है क्या होता है बीन्स। ठीक है, तो ये सब में जो जो रिच इन हाई फूड है इन पोटेशियम, सो यू कैन इंटेक। ठीक है, बट नॉट मोर देन डेट, ओके, नॉट 6000 से ऊपर मत जाओ, क्योंकि एक्सेसिव पोटेशियम कैन कॉज योर हार्ट इश्यू, एरिथमिया हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, इवन किडनी डैमेज हो सकता है। ठीक है, सो बी मतलब नॉर्मल रहिए, उससे नॉर्मल रेंज तक रहिए, उससे ज़्यादा मत जाइए। ठीक है, तो यू कैन चेक योर पोटेशियम लेवल। एंड इसमें क्या होता है, नेक्स्ट इज मेन रीजन इज लोअर कोर्टिसोल। क्या होता है, जब भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है इसमें कोर्टिसोल क्या होता है, घट जाता है नीचे की तरफ, मतलब कि कोर्टिसोल लेवल लो हो जाता है। कोर्टिसोल होता क्या है, इज ए काइंड ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, ओके, स्ट्रेस हार्मोन जो कि डैमेज करता है एड्रिनल ग्लैंड को। अगर ये डैमेज एड्रिनल ग्लैंड हो गया तो क्या बोलता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलता है। ठीक है, अब इसको इंक्रीज कैसे करें, जैसे आपने बोला कि डाइट में ये सब लेना है, बनाना आप, ठीक है, जो बीन्स, ठीक है, जो भी पोटेशियम लेवल, तो इससे मैनेज होगा। कोर्टिसोल को नॉर्मलाइज कर दो, थोड़ा हाई कर दो, नॉर्मल रख दो कोर्टिसोल को अपने, फिर यू कैन सी कि आपको थोड़े दिन में चेंजेस नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अब इसमें पेन में क्या रोल कर सकते हैं, देयर इज अ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बोलने से क्या होता है, जब भी मिल्क प्रोडक्ट में मिला जाता है, जैसे ब्रीस्ट फीडिंग करते हैं बच्चे को जब देते हैं, एंड इट इम्प्रूव द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑल्सो, इम्प्रूव द जॉइंट पेन ऑल्सो। ठीक है, सो क्या होता है, इम्यूनिटी बिल्डअप, मतलब बिल्डिंग सिस्टम है ये एक कोलेस्ट्रॉल की, इम्प्रूव जॉइंट पेन। ठीक है, और बच्चे लोग में ज़्यादा ये देते जब ब्रीस्ट फीडिंग करता है तो डाइजेस्टिव ट्रैक को इम्प्रूव करता है। ठीक है, दिस इज अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन और बहुत ही करते हैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप लोग चेक कीजिए। एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मैंने बेस्ट टिप दिया है ये दो टिप, पोटेशियम हाई होता है, मतलब सॉरी पोटेशियम लो होता है और कोर्टिसोल भी लो हो जाता है। ठीक है, ये दोनों मेन कारण है। तो ये जब भी घटता है आरए का रिस्क ज़्यादा, चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दोनों को थोड़ा सा इंक्रीज करो, नॉर्मल रखने की कोशिश करो, अब अपने आप आरए भी नॉर्मलाइज हो जाता है। जॉइंट पेन के लिए क्या करने बोला, कोलेस्ट्रॉल ये मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है। ठीक है, तो लो मतलब जॉइंट पेन के लिए रिड्यूस करता है। अब मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा मेडिसिन प्रिसेप्ट मतलब अपने डाइटिशियन और एक्सरसाइज ज़्यादा मायने रखें, जॉइंट मोबिलाइजेशन कीजिए। मैं इसके ऊपर एक्सरसाइज पीटी मैनेजमेंट भी दिखा देंगे क्या क्या करना है, और जितना हो सके जॉइंट को ज़्यादा स्टिफ होने मत दीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड